आइए सुनते हैं शैलेश मटियानी की लिखी हुई कहानी प्रेत मुक्ति, कहानी वाली सोनम की आवाज में। आधी नदी पार कर चुके थे कि जलांजलि छोड़ने के लिए पूर्वाभिमुख होते ही सूर्य और आंखों के मध्य धूम केतु सा दिखाई दे गया। पूरी आंखें खोलने पर देखा कि उत्तर की ओर जो शूद्रों का श्मशान देवगढ़ है, वहीं से धुआं ऊपर उठ रहा है और हवा के प्रवाह की दिशा में धनुषाकार झुककर सूर्य के समानांतर धूमकेतु की तरह लटक गया है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। पांडे जी के घुटने पानी के अंदर आपस में टकरा गए और अंजलि में भरा जल ढीली पड़ी हुई अंगुलियों से रीत गया। कहीं अचेतन मन से एक आशंका तेजी से उठी कि कहीं किशन राम ही तो नहीं मर गया है, और पांडे जी के घुटने फिर थरथरा गए और उन्हें लगा कि उनके और सूर्य के बीच में धूमकेतु नहीं बल्कि उनके हलिया किशन राम की आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। गले में झूलता यज्ञोपवीत, माथे में लगा हुआ श्रीखंड तिलक और आत्मा का जातीय संस्कार बार बार अनुभव कर रहा था कि ऊपर श्मशान से अछूत केशव की अस्थि मज्जा को बहाकर लाती हुई सुयाल नदी का निषिद्ध जल उनके पांवों से टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर से अधजला मुर्दा ही नीचे को बहा दिया जाए और वही पांवों से टकरा जाए, लिपट जाए। नदी पार करके गांव की ओर बढ़ने की जगह पांडे जी तेजी से इस पार ही लौट आए। उन्हें लगा था कि आगे की ओर पानी चीर सकने की सामर्थ्य उनके घुटनों में नहीं रह गई है। धुआं देखने से पहले भी आधी नदी पार करने में ना जाने इतने आकस्मिक रूप से क्यों किशन राम की याद आई थी कि उन्हें लगा था कि वे नदी के पाट को अपने पांव से ठीक वैसे ही चीर रहे हैं जैसे किशन राम हल्की फाल से खेत की मिट्टी को चीरता है। अब भी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों उनकी कल्पना के आकाश में आशंका का ये धूमकेतु एकाएक उतर आया है कि किशन राम ही मर गया होगा और उसी का शव जलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिता ना जल रही हो, नदी के किनारे मछली वालों ने ही आग जला रखी हो। पांडे जी का मन हुआ कि किनारे का जल हाथ में लेकर उसे सूंघे कि उससे शवदाह की गंध फूट रही है या नहीं। उन्हें याद आया कि जब कभी हल जोतते जोतते बैल थाम कर किशन राम उसके समीप आ जाता था सुरती मांगने को, तो उसके मैले कपड़ों से ठीक वैसी ही तीखी गंध फूटती थी जैसी सुरती के गांठ तोड़ते हुए फैलती है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी से भी वैसी ही तीखी गंध फूट आए। अपनी अजीब अजीब कल्पनाओं पर पांडे जी को हंसी आने लगी। किशन राम की बातों को लेकर जो कमजोरी उनके मन में है, जो द्वंद्व उनके अचेतन में चलता रहा है, उसके इस मृत्यु की आशंका से जुड़ जाने के कारण ही मन अपनी स्वाभाविक स्थिति खो बैठा है। ऐसा उन्हें लगा तो वो किनारे किनारे चलने लगे। देवगढ़ लगभग 1 मील दूर था वहां से। खुले मैदान की भुरभुरी मिट्टी में रेंगती हुई गर्भवती नागिन जैसी पहाड़न सुन्याल उल्टी दिशा को लौटती अनुभव हो रही थी। चंद्रमा की तरह सीधी किरणों के पानी की सतह पर हवा से कांपने की स्थिति में नदी भी अपने साथ चलती लगती है। ऐसे में हो सकता है कि किशनराम का अधजला शव इसी बीच बहा दिया गया हो तो वो भी पांडे जी के ही साथ उत्तर की ओर लौटने लगे। सामने ही एक गहरा ताल दिखाई दिया तो लगा कि कहीं ऐसा न हो कि शव यहाँ तक बह आया हो और मछलियाँ उसे नोच रही हों। एक बार गहराई तक उस ताल में झांक कर पांडे जी और भी तेजी से चलने लगे ताकि आशंकाओं का समाधान हो जाए तो मन की इस विभ्रांति से मुक्ति मिले। केवलानंद पांडे जी और किशन राम की उम्र में विशेष फर्क नहीं था। शायद 2 या 3 वर्ष बड़ा हो किशन राम, मगर पांडे जी की तुलना में किशन राम बहुत जल्दी ही बूढ़ा दिखने लग गया था। 55वां वर्ष पार करते हुए भी पांडे जी के गौर प्रशस्त ललाट में श्रीखंड का तिलक रेखाओं में नहीं डूबता था, मगर किशन राम की कमर झुक गई थी। केवल पांडे ने बचपन से ही किशन राम को देखा था। किशन राम के पिता की 3 पत्नियां थीं और बहुत बड़ा परिवार था। खाने पहनने को पूरा पड़ता नहीं था, मगर परिश्रम का बोझ दिन रात कंधों पर लदा रहता था। पांडे जी को याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने किशन राम में किशोरावस्था की चंचलता या जवानी के उद्दाम आवेग को उसके चेहरे या आंखों से फूटता हुआ देखा हो। जब भी देखा, हल या हथौड़े या हसीये की मूठ थामे काम में जुटा हुआ देखा।
किशोरावस्था गांव में गुजार कर मिडिल पास करके पांडे जी पहले मामा के यहाँ नैनीताल और फिर वहां से अपनी वागदत्ता के पिता के पास जाकर बनारस पढ़ने चले गए थे। नैनीताल से हाई स्कूल, बनारस से शास्त्री करके पांडे जी फिर घर ही लौट आए थे। छोटे भाई सब पढ़ रहे थे और पिताजी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। यजमानी बहुत बड़ी थी, उसे संभालना आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टि से आवश्यक था। घर लौटने पर पांडे जी को पता चला था किशन राम से ही कि इस बीच उसकी माँ मर गई थी और वो भी अपने मामा के यहाँ चला गया था। मामा लोहार था मगर किशन राम सिर्फ किसानी या ओढ़गिरी जानता था और गरम लोहा पीटते में अपने दाएं हाथ की अंगुलियां पिटवा बैठा था। हाथ बेकार हो गया था तो मामा ने भी दुरा दिया था और वहां से पत्नी को लिए लिए ससुराल चला गया था तो ससुर सालों ने भी उसकी घरवाली को तो रोक लिया और उसे विदा कर दिया। दाएं हाथ की 3 अंगुलियां गिर गई थी, शेष 2 से सोटा और बाएं हाथ से हल्की मूठ पकड़कर बैलों को ऊंची हाक लगाते हुए किशन राम की आवाज़ पांडे जी ने गांव की सीमा में पहुंचते ही सुनी थी और जब रास्ते में ही किशन राम के पास रुककर उसका दुख सुख पूछ लिया था तो लगा था जैसे किशन राम अपनी सारी गाथा उन्हीं की प्रतीक्षा में अपनी छाती में दबाए हुए था, क्योंकि जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंखें भरती चली आई थी उससे लगता था कि बहुत गहरे दबाई हुई व्यथा ऊपर उठ रही है, जैसे बांध बांध कर ऊपर की ओर उठाया हुआ पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किशन राम को रोते हुए देखने का यह पहला अवसर था, अन्यथा उसके खुश्क आंखों में एक दीन मुस्कुराहट ही उन्होंने सदैव देखी थी और कठोर परिश्रम के कारण पसीने से लथपथ उसकी देह देखने से ही यह अनुभूति हो पाती थी कि उसके सारे आंसू यूं ही शरीर के जोड़ जोड़ से नितर जाते हैं। और पांडे जी को तब भी विचित्र सी कल्पना हो आती थी कि किशन राम अभिशप्त इंद्र है और उसकी सारी देह में आंखें ही आंखें फूट आई हैं। पसीना भी वो कुछ इतने जतन से पोछता था कि लगता था गालों पर से नितरते हुए आंसू पोछ रहा है और एकटक उसकी ओर देखते रहने पर मुंह में खारा खारा स्वाद उभरने लगता था। लेकिन तब तक सुरती की गांठ तोड़ने की जैसी तीखी गंध उसके कपड़ों से नहीं आती थी। बनारस से लौट आने के बाद केवल पांडे जी ने देखा था कि उम्र में बड़ा होने पर भी उनके गौर बलिष्ठ और खुले हुए शरीर की तुलना में किशन राम ऐसा लगता था जैसे इतने वर्षों के बीच प्रकृति ने उस लोहे को गर्म करके उसके दुर्भाग्य की चोटों से पीट पीट कर थोड़ा बहुत फैला दिया है। बस पांडे जी को बार बार वो अनोखा दृश्य याद आता था जब 14 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाने के बाद किशन राम दुर्गुन के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके ले जा रहा था और वो मिडिल स्कूल से लौट रहे थे। छोटी सी ठिगनी सांवली लड़की बीड़ी पीते हुए उसके पीछे पीछे चली जा रही थी और जब किशन राम ने महाराज कहकर पांडे जी को प्रणाम किया था तो उसने जल्दी में बीड़ी को अपनी हथेली में ही घिस लिया था और फिर रो पड़ी थी। पांडे जी को हंसी आ गई थी, किशन राम भी हंस पड़ा था। गुसाई, हमारे कौम में तो सारे कर्मकांड बचपन में ही सीख लेती हैं छोरियां। और आखिर शर्माते शर्माते पूछने लगा था कि शास्त्रों के अनुसार किस उम्र तक आपस में प्यार करना निषिद्ध है। शास्त्र का उच्चारण करने में किशन राम का कंठ कुछ थरथरा गया था। पांडे जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, समझ गए कि किन्हीं सयानों की बात को गांठ बांधे हुए हैं। किशन राम के भोले निश्चल स्वभाव के प्रति उन्हें शुरू से ही आत्मीयता सी थी और ये कहते कहते उस दिन उन्होंने भी किशन राम की घरवाली को देख लिया था। अरे यार किशन राम, अभी तो खुद मैंने ही कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, पिताजी काशी भेजने वाले हैं संस्कृत पढ़ने, 10-12 वर्ष लौटने पर तुझे बताऊंगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है। कई वर्षों के बाद एक बार छुट्टियों में घर लौटे थे कुछ दिनों को, तो उन्होंने किशन राम से पूछा था, किशन कोई संतान हुई या नहीं? और किशन राम के उत्तर से उन्हें लगा था कि जैसे वो उसी दिन के प्रतीक्षा में है अभी, जबकि पांडे जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे। काशी से शास्त्री करके लौट आने के बाद भी उनका मन वही प्रश्न पूछने को हो रहा था कि किशन राम की दुखांत गाथा से मन भराया था और उन्होंने अनुभव किया था कि इस बार अधजले प्यार को अपनी हथेली में घिस लेने की जगह किशन राम की घरवाली ने उसके कलेजे के साथ घिस कर उसे बुझा दिया था और उन्हें लगा था
कि किशन राम के प्रति उनकी इस संवेदनशील कल्पना पर उसकी घरवाली उस दिन की तरह रो नहीं रही बल्कि खिलखिला रही है। बचपन बीतते बीतते ही शादी हो गई थी और जवान होते होते संबंध टूट गया था। उन दिनों किशन राम अकेला ही रहता था। उसके पिता के मना करने के बावजूद पांडे जी के पिताजी ने किशन राम को ही अपना हलिया रख लिया था। हलिया रख लेने के बाद खुद उन्होंने तथा पांडे जी की माँ ने किशन राम से कहा था कि किशन राम, पहली तो डाल पर बैठी हुई जैसे फुर उड़ गई, अब तू क्यों उसके लिए जोग धारण कर रहा है? अरे तू ब्याह कर लेता तो हमारी खेती भी कुछ और ज्यादा संभलती, बिना जोड़ी का बैल नहीं खिलता। तू तो हलिया है, नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली को ही लौटा ला। किशन राम जानता था कि एक तो बिन घरवाली का हलिया वैसे ही पूरा श्रम नहीं कर पाता गोसाइयों के खेत में, उस पर उसका दायां हाथ पूरा नहीं लगता है। उसने एक दिन हाथ जोड़कर अपनी अनुपयोगिता को स्वीकार कर लिया था और अपने सौतेले भाइयों में से किसी को रख लेने को कह दिया था। बौराणज्यू, मैं अभागा तो हाथ से छड़ी लोथ ही नहीं लौट पाया, कलेजे से झड़ी हुई लोथ कैसे लौटा पाऊंगा। और उन दिनों गांव भर में ये बात फैल गई थी कि सयानी औरत का माँ का मन भी कैसा कोमल होता है। खुद कुसमावती बहुरानी जी ने ही अपने हाथों से किशन राम के आंसू पोंछ दिए थे। केवल पांडे जी के पूछने पर ही कुसुमावती बहुरानी जी की आंखें फिर गीली हो आई थीं। बोली थी, हिया हिया सभी का तो एक होता है, केवल मैंने आंसू पोंछे तो मेरे पाँव के पास की मिट्टी उठाकर कपाल से लगाते हुए बोला, बौराणज्यू पारस मणि ने लोहे का तसला छू लिया है, मेरे जन्म जन्म के पापों का तारण हो गया है। शूद्र कुल में जन्मा है मगर बड़ा मोह बड़ा वैराग्य है किसनिया छोरे में। पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि कहीं पहली पत्नी के प्रति किशन राम में बहुत बड़ा मोह था और इसलिए इतना गहरा विराग भी है। मगर उन दिनों हफ्ते हफ्ते किशन राम अपने कपड़े भी धो लेता था, भोजन भी नित्य समय पर कर लेता था, खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती थी और विनम्रतापूर्वक किशन राम केवल पांडे जी की पत्नी से कह देता था, बौराणज्यू रोटियां मुझे टाइम से ही देना। एक दिन खेत जोतने से निपट कर किशन राम सुनियाल के किनारे कपड़े धो रहा था। लंगोटी पहनकर शेष कपड़े सूखने डाल रखे थे। यजमानी से लौटते हुए पांडे जी आए थे तो उनके नदी पार करते समय पानी से अलग हट गया था कि उसके पाँवों का छुआ जल उन्हें न लग जाए। पांडे जी ने यजमानी से मिली हुई मिठाइयों में से कुछ मिठाइयाँ उसे दे दी और कहा, किशन अच्छा नहीं किया भवानी ने, नहीं तो तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़ा धोने से मुक्ति मिलती। किशन राम के हाथ जुड़ाए थे और होठों पर हल्की सी हंसी। महाराज, जिस दिन बड़ी बौराणज्यू की सोने की छड़ी जैसी अंगुलियों की ममता पाली मेरी आंखों ने, उस दिन से कलेजे की जलन से कुछ मुक्ति मिल गई है, इतना ही बहुत है। और यूं ही वर्षों बीत गए थे। धीरे धीरे किशन राम की कमर भी झुकने लगी थी, मगर उसने हल नहीं छोड़ा था। और जब तक वो हल नहीं छोड़े तब तक हलिया न बदला जाए, केवल पांडे इसका निर्णय कर चुके थे। ज़रूरत पड़ने पर रोज़ाना मजदूरी देकर खेत जुतवा लिए जाते थे, मगर किशन राम को कोई नहीं टोकता था। केवल पांडे जी की पत्नी चंद्रा बहुरानी भी अपनी सास की सी ही सहानुभूति उसके प्रति रखती थी और कभी कभी किशन राम कह देता था कि बड़ी बहुरानी जी की तो देह ही देह हो गई है, आत्मा तो छोटी बहुरानी जी में समा गई है। और ऐसा कहने के बाद बहुधा वो पांडे जी से आत्मा के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता था कि महाराज, शास्त्रों में तो आत्मा परमात्मा के ही मंत्र लिखे हुए हैं, आपके चरणों का सेवक ठहरा, दो चार मंत्र मेरे अपवित्र कानों में भी पड़ जाए तो मेरी आत्मा का मैल भी छट जाए। क्या करूं गुसाई, घास खाने वाले पशु बैल नहीं हुए, अनाज खाने वाला किशन राम ही हो गया। महाराज, मरने के बाद आत्मा कहीं परलोक को चली जाती है या इसी लोक में भटकती रह जाती है? 84 लाख योनियों से भी इतर एक योनि और प्रेतात्मा योनि होती है। ये जानने के बाद से किशन राम और भी अधिक जिज्ञासु हो गया था कि आत्मा की इच्छा न होने पर भी क्या देह मात्र की इच्छा से भी प्रेत योनि मिल सकती है? जब यजमानी में नहीं जाना होता था
तो पांडे जी खेतों में चले जाते थे। उन्हें इस बात का बोध भी था कि जब चंद्रा बहुरानी खेतों में होती है तो किशन राम एकदम दत्तचित होकर काम करता रहता है, मगर जब पांडे जी खुद होते हैं तो बार बार सुरती मांगने के बहाने उनसे तरह तरह की बातें पूछने लगता है। फिर भी पांडे जी किशन राम के प्रति कठोर नहीं हो पाते थे। जैसी बहकी बहकी बातें वो इन दिनों करता था, उसे लगता था कि किशन राम की चेतनाएं बहुत जल्दी जल्दी अंतर्मुखी होती जा रही हैं। उसकी खुश्क आंखें इतनी अंदर धंस गई थी कि मरने के बाद तालाब में डूबी हुई मछली जैसी कोई चीज उसमें चमकने लगती थी, और पांडे जी को लगने लगा था कि ये उसकी मृत्यु का पूर्वाभास है। संतानहीन लोगों की इस लोक से मुक्ति नहीं हो पाती है, और वो रात रात भर मशाले हाथ में लिए अपने लिए पत्नी और संतति खोजने की तृष्णा लिए कायाहीन प्रेत रूप में भटकते रहते हैं। ऐसा कभी पांडे जी ने ही उसे बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि उच्च जाति के लोग जो प्रेत योनि में ज़्यादा नहीं जाते हैं, औरत संतति से वंचित रहने पर भी उसका कारण ये है कि उनकी सदगति शास्त्रोक्त पद्धति से हो जाती है। और ये सब कुछ जानने के बाद से किशन राम निरंतर उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले उसने फिर पूछा था कि खुद प्रेत योनि से भटका जाए या कि जिस पर तृष्णा रह गई हो उस पर प्रेत रूप की छाया जाए तो इससे मुक्ति का क्या उपाय है। बहुत गहराई से पूछने पर किशन राम कुछ खुला था। महाराज, आप तो मेरे ईष्ट देवता सरीखे ठहरे, आपसे क्या छिपाना। इधर शरीर बहुत कमजोर हो चला है, समय से खा नहीं पाता हूँ, वात पित्त बढ़ गया है, ठीक से आंख नहीं लग पाती और नहाने कपड़े धोने की शक्ति अब नहीं रही। गोसाई जी, और जब जब भूख से पेट जलता है, जब जब खांसी और चड़क से देह फूटने को आ जाती है, और इधर उधर झांकने पर सिर्फ अपनी ही दुर्गंध, अपनी ही प्रेत जैसी छाया घेरने लगती है, तो पापी चित्त बस में नहीं रहता। गोसाई जी, जिसे जवानी के दिनों में कभी गाली नहीं दी, उसे अब मरते समय ना जाने कैसी कैसी भयंकर और पलीद गालियां बकने लग जाता हूँ। आत्मा फांसी के फंदे पर लटकी हुई धिक्कारती रहती है कि किशन राम, अब मसान धार की तरफ जाते हुए अपनी घरवाली को रांड पातर मत कह रहे कसाई, मगर ये दो ठूंठ अंगुलियां चरस भरी हुई बीड़ी जैसी सुलगती हुई मेरे कपोल को दागती रहती हैं कि अरे पात्रा, तूने जो मेरा कलेजा ही नहीं निकाल लिया होता तो आज इस वृद्धावस्था में तू नहीं तो कोई और तो होती। किशन राम, भवानी को तो भूला नहीं है रे, जैसी दगा वो कर गई तेरे साथ, किसी और के साथ करती तो वो थू थू थूकता और दूसरी ले आता, मगर तेरा मुंह तो घटा ही नहीं उससे। गोसाई जी, डाल पात टूटा वृक्ष तो फिर से पंगुर हो जाता है, मगर जड़ से उखड़ा हुआ वृक्ष क्या करे, जब तक हाथ पांव चलते रहे। टाइम से पेट की आग बुझाना, टाइम से मैले कपड़े धोना इसलिए करता रहा कि नहीं कर पाऊंगा तो भौनी छोरी के लिए गाली निकलेगी मुंह से। महाराज, आपने तो उसे पर पुतली की तरह मेरे आगे पीछे उड़ता हुआ देखा ही था, उस छोटी सी छोरी को गवा देने के बाद सयानी औरत ले आता तो मुझे लगता मेरे आगे पीछे चील झपट्टे मार रही है। महाराज, आप भी कह रहे होंगे कि इस किसनुआ डोम की मति वृद्धावस्था में चौपट हो गई है, मगर मैंने उस पुर पुतली का सुख कभी नहीं खोना चाहा। गोसाई जी, पांडे जी को लगा था कि धंसती हुई आंखों में जो तालाब में डूबी हुई मछली जैसी चमकती है, वो खुद तब का किशन राम ही अपनी भावुकता की गहराई में डूबा हुआ है। जब वो बीड़ी का जलता ठूंठ हथेली में घिस लेने वाली भवानी को साथ लेकर शास्त्रों की व्यवस्था पूछता फिरता था। महाराज, आजकल जो तड़प रहा हूं तो इसलिए कि म्लेच्छ योनि का पहले ही ठहरा, ऊपर से ये संसारी कुटिल चित्त की हाय हाय है, गरुड़ पुराण सुनने को तो पहले ही हक नहीं ठहरा, फिर सुनाए भी कौन। कभी कभी जंगल में आंखें बंद करके लेट जाता हूँ गोसाई जी, कि कोई आकाश में उड़ता गरुड़ पक्षी ही मुझे मुर्दा समझकर मेरे माथे पर बैठकर टिटकारी छोड़ जाए। महाराज, अपने तारण तरण की उतनी चिंता नहीं है, मगर आत्मा इसी पाप से डरती है कि कहीं प्रेत योनि में गया तो उस भौनी छोरी को न लग जाऊं। हमारी सौतेली महतारी में हमारे बाप का प्रेत आने लगा है महाराज,
और उसे उसके लड़के गर्म चिमटों से दाग देते हैं। कहीं उसके लड़के भी उसे ऐसे ही न दागे महाराज, जिसे जीते जी अपना सारा हक हुक्म होते हुए भी एक कठोर वचन तक नहीं कह सका कि जाने दे रे किशन राम, पुतली जैसी उड़ती छोरी है, जहाँ उसकी मर्जी आए वहीं बैठने दे, उसे ही मरने के बाद दागते कैसे देख सकूँगा। अच्छा गुसाई जी, अगर कोई आदमी जीते जी अपनी आंखें निकाल कर किसी गरुण पक्षी को दान कर दे तो वो प्रेत योनि में भी अंधा ही रहता है या नहीं? पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि ज्यों ज्यों किशन राम मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, त्यों त्यों भवानी एक बच्चे की तरह रंग बिरंगी तितली की तरह उसके अंदर ही अंदर उमड़ती हुई उसे भी एक ऐसे बचपन की ओर ले जा रही थी, जहाँ मन के बावलेपन को थामने की क्षमता न देह में रह गई थी न बुद्धि में। वो डरने लगे थे कि कभी अपनी अंध भावुकता में कहीं सचमुच न किशन राम अपनी आंखें निकाल बैठे। उसकी धसी हुई आंखों में झांकने पर उनको ही ऐसा लगता था कि किशन राम ने मछली पकड़ने के जाल को ऊपर से मूठ बांधकर नीचे की गहराइयों में फैला दिया है और बार बार उसकी आंतरिक वेदनाएं उस जाल में फंस कर छटपटाती हैं और वह बार बार उसे अंदर की ओर समेटने की कोशिश करता है और तब उसकी आंखों की झुर्रियां ऐसे आपस में सिमट आती हैं कि लगता है जाल की बंधी हुई मूठ एकदम कस दी गई है और डोरियों में भीगा हुआ पानी निचुड़ाया है। ऐसी आंखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होता है जिन्हें दूसरे तक न सह सकें। उस निरे अशिक्षित और अबोध किशन राम की आंखों की गहराई में जो चमक दिखाई देती थी, पानी के तल में मरी हुई मछली के चमकने की तरह, उसे देखने में पांडे जी को यक्ष युधिष्ठिर प्रसंग याद आ जाता था और उन्हें लगता था कि बिना अपनी प्रश्नाकुल आंखों के लिए तृप्ति पाए ये किशन राम उन्हें छोड़ेगा नहीं। सो उन्होंने किशन राम से ये कहना शुरू कर दिया था कि शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आत्मिक रूप से प्रायश्चित कर लेता है वो अपनी मरणोत्तर स्थिति में स्वर्गवासी हो जाता है। किशन राम के प्रश्न पूछते ही अब पांडे जी कह देते थे कि किशन राम, तू तो एकदम निश्चल निर्वैर आत्मा वाला है, तू जैसे सात्विक लोग प्रेत योनि में नहीं जा सकते। मगर इससे किशन राम के प्रश्न ही घटे थे, उसकी बेचैनी उसका दुख नहीं घटा था। पहले अपनी जिस बेचैनी को वो प्रश्नों में बांट देता था, अब वो और ज्यादा भरती जा रही थी उसकी आंखों में और पांडे जी को लगता था कि किशन राम की ये तालाब में सिमटते हुए पानी जैसी बेचैनी यदि नहीं घटी तो उसकी आंखों की गहराइयों में डूबी हुई अपनी ही अर्थी के बांस के सहारे टिके हुए शव जैसी उसकी आहत आत्मा एकदम ऊपर ही उतर आएगी और आंखों के रास्ते जिसके प्राण निकलते हैं उनका चेहरा कितना डरावना हो जाता है। सुनियाल के किनारे चलते चलते पांडे जी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी पीठ पर लदी उस पोटली को नीचे धरती की ओर खींच रहा है जिसमें यजमानी से मिली हुई सामग्री है। दूर के गांव में एक वृद्ध यजमान की मृत्यु हो गई थी और 13वीं कराकर पांडे जी लौट रहे थे। पोटली में जौ तिल भी थे और एक जोड़ी बर्तन भी थे। बाकी बर्तन तो गति क्रिया के दिन ले चुके थे, आज सिर्फ एक लोटा था, एक कटोरा, एक चम्मच और एक थाली। किशन राम के मरने पर हो सकता है उसके सौतेले भाई उसके थोड़े से जो बर्तन थे उन्हें समेट ले गए हों और संभव है अपनी हीन नियत के कारण किशन राम के नाम पर कोई बर्तन न लगाएं। पंडित जी को याद आया कि चंद्रा बहुरानी जो पानी का लोटा लाती थी उसे किशन राम छूता नहीं था। बहुरानी लोटे से पानी छोड़ती थी और वो दाई हथेली होठों से लगा कर पीता था। सोचते सोचते पंडित जी को लगा जैसे किशन राम ही उनकी पीठ के पीछे पीछे चलता हुआ लोटे को अपने होठों की ओर झुका रहा है। पांडे जी के पांव एकदम भारी भारी हो आए। उन्हें याद आया कि यजमान के मरने से पहले उन्होंने किशन राम को आश्वासन दे दिया था कि उसके मरने पर वो खुद उसका तर्पण कर देंगे और तब किशन राम आश्वस्त हो गया था कि महाराज, आपके हाथ की तिलांजलि से तो मुझ अभागे के समस्त पापों का तारण हो जाएगा, मगर कहीं ऐसा तो नहीं गुसाई जी कि आप जैसे पवित्र ब्राह्मण देवता से तर्पण कराने का मुझे कोई दंड भुगतना पड़े। पांडे जी भी जानते थे कि किशन राम का तर्पण उनके लिए शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है, मगर उसे आश्वस्त करने का एकमात्र उपाय ही यही रह गया था जो उन्होंने कह दिया था कि जाति तो सिर्फ मिट्टी की होती है, मिट्टी छूट जाने के बाद सिर्फ आत्मा रह जाती है और आत्मा कोई अछूत नहीं होती,
मगर इस समय बड़ी दुविधा हो आई कि कहीं किशन राम सचमुच मर गया होगा तो क्या वो अपना वचन पूरा कर सकेंगे। मन ही मन पांडे जी प्रार्थना करते जा रहे थे कि किशन राम ना मरा हो। गांव में उन दिनों सिर्फ दो के ही मरने की आशंका ज्यादा थी, एक किशन राम और दूसरी उसकी सौतेली माँ। पांडे जी की भावना थी कि वही मरी होती तो अच्छा था। श्मशान तक पहुंचे तो वहां सिर्फ बुझती हुई चिता शेष रह गई थी, मुर्दा फूकने वाले जा चुके थे। पांडे जी अपने बाहरी आचार संस्कार में शूद्रों को जितना अछूत समझते थे, आत्मिक संस्कार में नहीं। पिता और माँ से उन्होंने उदार संवेदना और मानवीयता पाई थी, मगर अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जितना उन्हें बाहरी आचार व्यवहार को जीना पड़ता था, उतना अपने आत्मिक संस्कार को नहीं। स्वात्मा से घृणालु न होते हुए भी एक वितृष्णा उन्हें हो आई। किशन राम के संबंध में जिज्ञासा और बढ़ गई थी, मगर दूर से पूछ लेने की जो सुविधा समझी थी वो भी नहीं रही थी। जानना चाहते थे कि किशन राम था, उसकी सौतेली माँ थी, या आकस्मिक रूप से मरा हुआ कोई और। मगर दूर से देखने पर चिता में शव भी जलता दिखाई नहीं दे रहा था। संभव है अच्छी तरह से पूर्णदाह कर दिया हो, संभव है अधजला शव बहा दिया हो। वितृष्णा और निषेध के बावजूद पांडे जी थोड़ा और आगे बढ़ गए। अजीब मनास्थिति उनकी हो गई थी। ये आशंका पीछे लौटा लेना चाहती थी कि कहीं दूर खेतों में काम करता या इस ओर आता हुआ कोई यूं श्मशान टटोलते देखेगा उन्हें तो न जाने क्या समझे कि एक अछूत के शवदाह के बाद वहाँ क्या खोज कर रहे हैं। मगर उनकी जिज्ञासा आंखों को चारों ओर घुमा देती थी, कहीं कोई ऐसा अवशेष ही दिख जाए, किशन राम की सौतेली माँ का घाघरा पिछौरा ही दिख जाए जिससे शंका टले। और तभी पांवों के एकदम समीप कोई कपड़ा उनके पाँव से लग गया और पांडे जी चौंक कर पीछे हट गए। देखा, किशन राम की काली दुपलिया टोपी थी जिसे चंद्रा बहुरानी से रोटियां लेते में वो लोहे के तसले की तरह आगे फैला देता था। किशन राम, ओम विष्णुर। पांडे जी को लगा तसले की तरह फैली हुई उस टोपी के पास ही किशन राम भी है और याचना भरी आंखों से उन्हें घूर रहा है। महाराज, हे राम। व्यथा से पांडे जी की आंखें गीली हो आईं। आशंका के प्रमाण सिद्ध हो जाने से पांव अपने आप एकदम हल्के हो आए और पांडे जी पीछे लौट आए। गांव की ओर जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए थोड़ी दूर और सुनियाल के किनारे किनारे ही चलना था, मगर श्मशान भूमि से जरा ऊपर पहुंचते ही फिर पांव भारी पड़ने लगे। लगा किशन राम पीछे छूट गया है और टोपी फैलाए हुए आखिर क्या मांगना चाहता रहा होगा किशन राम अपने अंतिम क्षणों में। सिर्फ यही तो कि उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए। शायद मरते समय किसी से कह भी गया हो कि उन्हें इस बात की याद दिला दी जाए कि उन्होंने उसका तर्पण करने का आश्वासन दे रखा था। अंतिम दिनों में अपनी मुक्ति की जो आश्वस्ति किशन राम की आंखों में आ गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मरणोत्तर आत्मा यही खोजती फिर रही हो कि पांडे जी उसका तर्पण करते भी हैं या नहीं। पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि किशन राम उनको पीछे लौटा लेना चाहता है और उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है कि उसका तर्पण कर दिया जाए। अपने मन की तमाम दुविधाओं से मुक्ति का यही मार्ग शेष था, मगर जाति बिरादरी के लोगों की जानकारी में तो कुछ भी करना संभव नहीं। यहाँ इस सुनियाल घाटी के एकांत में तो सिर्फ वही ईश्वर साक्षी रहेगा जिसके लिए मनुष्य मनुष्य सब एक हैं। मगर एकदम श्मशान के समीप ही तर्पण करने से कोई आता जाता प्रश्नवाचक आंखों से घूरने लगेगा और कोई कहीं ये अफवाह ही ना फैलावे कि पैसे के लोभी ब्राह्मण अब चोरी चोरी से शूद्रों का पौरोहित्य भी निभाने लग गए हैं। थोड़ी ही ऊपर एक पतली धारा सुनियाल से मिल रही थी। पांडे जी आगे बढ़े और संगम के पास एक ऊंची शिला पर पोटली रख दी। पोटली खोलने में लोटा लुढ़क गया। पांडे जी का मन भर आया। जल भरकर लोटा उन्होंने नदी किनारे की मिट्टी में वेदी जैसी बनाकर रख दिया। जिंदगी भर तो यजमानों की हथेली से दान ही ग्रहण किया है, आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर स्वयं भी क्यों न कर ले। मन के उदार होते होते पांडे जी ये भी भूल गए कि वो एक शूद्र का तर्पण कर रहे हैं। थाली गिलास और कटोरा भी उन्होंने निकाल लिया, थाली में जो तिल डाल लिए, थोड़ा सा कुछ भी बीन लाए
और सारी सामग्री ठीक कर लेने के बाद पहली तिलांजलि देने के लिए किशनराम प्रेम प्रतार्थ कहते कहते उनका मन हो आया कि शमशान के पास पड़ी हुई किशनराम की टोपी उठा लाएं और उसी में ज्योतिल छोड़ दें। किशनराम का तर्पण करके गांव के एकदम समीप पहुंच जाने पर पांडे जी को याद आया कि कल ही उन्हें अपने पिताजी का श्राद्ध भी तो करना है और पहले एक शूद्र का तर्पण करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्र जीवी पिता का श्राद्ध। पांडे जी ने अपने हाथों की ओर देखा, लगा हाथ अशुद्ध हो गए हैं। उद्विग्न होकर अपने मुंह पर अंगुलियां फिराई तो सुरती तोड़ने जैसी तीखी गंध अनुभव हुई। पांडे जी सोच रहे थे कि यों चोरी चोरी शूद्र का तर्पण करने के बाद बिना घर वालों से कुछ सुने कहे उन्हें पिताश्री का श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। स्वर्गस्थ पितर के प्रति ये छल अनिष्टकर ही होगा। पांडे जी जानते थे कि अछूतों के प्रति तमाम मानवीय उदारताओं के बावजूद जातीय संस्कार की एकांत निष्ठा और कट्टरता उनके पिता में थी। जिसने जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म नहीं किया उसी का श्राद्ध अशुद्ध हाथों से कैसे किया जा सकता है। गांव समीप आता जा रहा था मगर पांडे जी एकदम थक गए थे। उन्हें भय लग रहा था कि शुद्ध मन से श्राद्ध करने के लिए उन्हें सत्य बोलना ही पड़ेगा, फिर चाहे घर वालों और बिरादरी में कैसी ही अप्रिय प्रतिक्रियाएं क्यों ना हो। उन्हें लग रहा था कि किशनराम की प्रेत मुक्ति हो गई है लेकिन उसके पश्चाताप का प्रेत उनसे चिपट गया है। किशनराम की याद आने पर माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने पुनः श्मशान की दिशा की ओर आंखें उठाई तो इस बार उन्हें लगा कि अस्ताचलगामी सूर्य और उनके बीच में इस समय उनका अपना ही प्रेत लटका हुआ है। और सौतेली माँ को फूंक कर धीरे धीरे लौटता हुआ किशनराम दूसरे रास्ते से आता हुआ पांडे जी को देखकर रुक गया और महाराज कहते हुए दंडवत में झुका तो आंखों पर से हाथ हटाते ही पांडे जी को किशनराम का नंगा सिर दिखाई दिया। बीच सिर में जहां पर बाल नहीं रह गए थे पसीने की बूंदे ठीक ऐसी चमक रही थी जैसे ज्योतिल थाली में पानी की बूंदे बिखरी हुई हों। और जीता रह कहने को हाथ ऊपर उठाते हुए पांडे जी को ऐसा लगा जैसे आसमान में लटके हुए किसी प्रेत को नीचे गिरा रहे हों। आप सुन रहे थे शैलेश मटियानी की लिखी हुई कहानी प्रेत मुक्ति, कहानी वाली सोनम की आवाज में। जल्द ही एक दुनिया समानांतर जो यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल मेंस की कहानियों का संग्रह है उसकी अगली कहानी लेकर आपके सामने वापस आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने यूपीएससी के मित्रों के साथ शेयर कीजिए और जो मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।